कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज उसको पेंशन दे रहा है क्या? अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा कैलकुलेशन। आज की डेट में जो भी रेगुलर कैडर में भर्ती हो रहा है या फिर इससे पहले जो भी होता था अग्निवीर को छोड़ के, अगर ये परमानेंट होता तो उसकी बेसिक पे शुरू होता 23,000 से बेसिक पे शुरू होता है आर्मी में, ठीक है, 23,000 की बेसिक पे शुरू होता है। अब कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप ये नहीं बोलना कि जो SSC GDP वगैरह 21,000 से 18,000 से शुरू होता है, आर्मी की बेसिक पे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जब हम भर्ती होते, जब हमारे दोस्त की 5400 था उस टाइम हमारा 6460 1,000 की यहाँ पर डिफ्रेंसेस होता है। तो यहाँ पर आर्मी में आप थोड़ा बेसिक पे ज़्यादा मिलता है, तो 23,000 का आपका स्टार्टिंग बेसिक पे रहता है। साथ में आज की डेट में 50% इसकी DA है, अभी हालांकि 3% और बढ़ चुका है, 53 हो चुका है, तो उसको अगर हम एप्रोक्स लेके चलेंगे तो 13,000 आपकी बनता है DA। यहाँ पर 23,000 आपकी बेसिक, 13,000 आपकी हो गया, क्या हो गया आपकी, ये DA हो गया। आगे चलते हैं, 5,200 आपको मिलता है MSP मिलिट्री सर्विस पे, जिसमें आप जाके आगे फ्रंट लाइन में लड़ाई करते हो, उसके लिए आर्मी नेवी और एयरफोर्स ऐसे फोर्सेस है जहाँ पर इनको मिलता है, क्या मिलता है इनको, MSP मिलता है मिलिट्री सर्विस पे, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनको नहीं मिलता है। इसके आगे चलते हैं, जो 800 रुपये का है ये लीव रेशन अलाउंसेस, जब आप छुट्टी में होते हो तो वहाँ पर आपके खर्च, जो आप खाना नहीं खाते हो फौज में से, तो 800 रुपये आपको पर मंथ 12 महीना ये आपको मिलता है, तो पर मंथ ये 800 रुपये आपके अकाउंट में आता रहेगा, ठीक है, इसको लीव रेशन अलाउंसेस LRA बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद TPTL, तो TPTL होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, 1800 में मिनिमम है और जो एक्सटेंड है, जो हाइस्ट है वो 5400 रुपया है, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा, मान लीजिए आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 5400 रुपया मिलेगा, दिल्ली टीयर 1 जो सिटी है उसको छोड़ के बाकी टीयर 2 टीयर 3 सिटी में ये आपको 1800 रुपया मिलता है। लेकिन अग्निवीर में ऐसा कोई स्कीम ही नहीं है, अग्निवीर पूरा फिक्स है आपकी, 21,000 रुपया आपके हाथ में आएगा, तो यहाँ पर आपकी लॉस होगा, क्योंकि मान लीजिए कि अग्निवीर अगर दिल्ली में है वहाँ पर उसको 5400 मिलना चाहिए या फिर 1800 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिक्स होने के कारण वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आपकी सैलरी में, 1800 में एक मिनिमम लेके चल रहा हूँ। उसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, यहाँ पर बताना चाहूँगा अगर आपकी टीयर 1 सिटी में पोस्टेड है तो आपका बेसिक पे का 30%, टीयर 2 में है बेसिक परसेंट का 20%, टीयर 3 में है आपके बेसिक पे का जैसे 10% हो गया, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आप कहाँ पोस्टेड है, ये तो देखो 5,000 मैंने एक अप्रोक्स लगाया है, ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए कोई एक बंदा 23,000 उसकी बेसिक है स्टार्टिंग है और वो दिल्ली में पोस्टेड है, मुंबई में पोस्टेड है, बैंगलोर चंडीगढ़ ऐसे सिटी में पोस्टेड है जिसको हम टीयर 1 सिटी बोलते हैं, तो वहाँ पर 5,000 थोड़ी लेगा, आप 23,000 का वहाँ पर 30 मतलब कितना आपका 30% आपको बेसिक का मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने अप्रोक्स मिला जुला के बीच वाला 5,000 को पकड़ा है, प्लस 200 आपका ये मिलता है रम सिगरेट अलाउंसेस, प्लस आपका PMHA 90 रुपया मिलता है पर मंथ हाइजीनिक अलाउंसेस, को मिला के 200 रुपया, ये ज़्यादा 250 के आसपास मिलता है, 250 रुपये के आसपास होता है, तो ये लगभग मैंने पकड़ा है। तो मैंने यहाँ पर 2 डिफरेंस आपको बताया, अगर आपकी पोस्टिंग यहाँ पर जैसे टीयर 1 सिटी में है तो ये आपको 5400 मिलेगा यहाँ पर, और आपकी जो यहाँ पर दूसरा दिखा देता हूँ आपको, 5,000 जो HRA मैंने पकड़ा था ना, ये भी आपका बढ़ जाएगा आपकी बेसिक पे के हिसाब से। तो मोटा मोटी कितने सैलरी आ रहे हैं अभी, बीच वाला हमने लेके चले फिर भी 49,000, ठीक है, आप कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है। अब 49,000 आपको मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट आपको कितना दे रहा है, 49,000 आपको मिलने वाला था अगर आप रेगुलरली भर्ती होते तो गवर्नमेंट आपको दे रहा है 29,000, प्लस गवर्नमेंट भी 9,000 आपको वहाँ पर एडिशनली जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसका भी दे रहा है ना 9,000 रुपये जो लास्ट में दे रहा है आपको, ठीक है। तो अगर हम 9 पकड़ेंगे तो आपकी हो जाएगा ये 38,000 हो जाएगा, ठीक है, इसको माइनस करते हैं 38,000, कितना बच गए, 11,000 रुपया आपकी बचा लिया। आपको कैलकुलेशन आई होप समझ में आ रहा होगा, मैंने कैलकुलेशन किया, अगर आप रेगुलरली भर्ती होते तो ये सारे चीज़ें अलाउंस मिल के एक मिनिमाइज मिडिल अलाउंसेस भी लेके आपको कितना मिलता है, 49,000 आज की डेट में स्टार्टिंग आपकी पे रहता, लेकिन वहाँ पर अग्निवीर में आपको कितना दे रहा है, 21,000 आपको दे रहा है गवर्नमेंट आपके हाथ में दे रहा है 21,000 फर्स्ट ईयर में, 9,000 रुपया बचा के रख रहा है, अपनी सेविंग कर रहा है, गवर्नमेंट उसको फंड में रख रहा है, इसका जो 9,000 रख रहा है प्लस गवर्नमेंट भी इसका 9,000 आपको एडिशनल दे रहा है। अगर मैं मान लीजिए गवर्नमेंट जो एडिशनल दे रहा है उसको भी सैलरी में प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 38,000, ठीक है, बराबर 38,000 हमारे को मिलने वाला था, कितना 49,000 हमारे को मिल, कितना रहा है 38,000, कितना रुपया बच गया,
11,000 रुपया गवर्नमेंट का हर एक महीने का प्रॉफिट जा रहा है। कितना? 11,000 रुपया। आप इसको हम 10,000 ही मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 48 कर लेते हैं इसको, ठीक है, सैलरी। तो 10,000 इंटू 12 कर लीजिए, 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया आपसे बचा रहा है पर क्या बोलते हैं ईयर, पर ईयर बता रहा है वो 1,20,000 रुपया पूरा दे के। चार साल में कितना बचा लेगा? 5,00,000 रुपया आपसे बचा लेगा। कितना? 5,00,000 बचा लेगा। जो आपको दे रहा है ना वो एडिशनल 5,00,000 दे रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे ही बचा रहा है, ठीक है, आपसे ही बचा के दे रहा है। अगर जो 9,000 भी हम माइनस कर देंगे ना, अगर हम जो 9,000 आपको 5,00,000 वो दे रहा है लास्ट में, उसको भी अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 48,000 माइनस आपको सिर्फ दे रहा है 29,000, 19,000 रुपया। 19,000 में से आपकी 9,000 वो वापस भी कर रहा है, जो लास्ट में कर रहा है, उसके एरियर मान लीजिए 5,00,000 जो दे रहा है उसको भी मान लीजिए, वो जो तो आपको दे रहा है, तो उसका भी छोड़ के आपको हर महीना 10,000 रुपये गवर्नमेंट अपने पॉकेट में तो बचाएगा। जो बोल रहा है ना कि मैं पेंशन लेके थोड़ी जाऊँगा, पेंशन तो नहीं लोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आपने क्या ले लिया, पेंशन तो नहीं लोगे, यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे बिल्कुल इसी ट्रिक के साथ गवर्नमेंट हर महीना आपसे 10 से 11,000 रुपये के अग्निवीर से बचा रहा है पर मंथ सैलरी से, और हर साल 1,20,000, चार साल का कैलकुलेट कर लीजिए, 5,00,000 रुपया गवर्नमेंट एडिशनली बचा रहा है, 5,00,000 रुपया एडिशनली बचा रहा है 5,00,000 दे के। वो जो बोल रहा है ना 5,00,000 दे रहा हूँ, वो तो तुम्हारे से लेके तुम्हें दे रहा है, और एडिशनली उसके अलावा ये 5,00,000 और बचा रहा है। अगर पूरा रेगुलर सोल्जर होते तो समझ लीजिए कि आपकी कितने यहाँ पर बचता, आपकी 10,00,000 रुपया होता, जबकि गवर्नमेंट आपको सिर्फ 5,00,000 रुपया दे रहा है और 5,00,000 रुपया रख रहा है। अगर इसी को हम बोलेंगे कि देशभक्त है तो मैं क्या बोलूँ, आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा था, और क्या इसमें चेंजमेंट होना चाहिए, आप नीचे कमेंट पर भरिए, क्या बताइए कि ये एक देशभक्त की मतलब हो सकता है कि ऐसे ट्रिक से बचाना, पैसा बचाना रेगुलर को अग्निवीर करके, और फिर बोलना कि मैं देश के लिए काम करता हूँ, देश की सेना मतलब सिक्योरिटी मतलब गारंटी, इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, शेयर करिए इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस, जय हिंद।